इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे ये क्रिएट हुआ, उसकी कहानी खुद एके मिश्रा जी बताएंगे कि ये बड़े खतरनाक है। मिश्रा जी से आप बचते रहिएगा। और यहाँ दूसरे खतरनाक व्यक्ति हैं कवि धनोज कुमार, जो आप मौजूद हैं मेरे ठीक बगल में, स्क्रीन के बगल में हैं ये। तो इन लोगों ने बड़ा अद्भुत काम कर दिया साहब। तो इन्होंने पूरे लॉकडाउन भारत भर के तमाम कवियों को एके मिश्रा और धनोज कुमार ने आप आश्चर्य करेंगे, तकनीक का ऐसा प्रयोग व्हाट्सएप बनवाने वाले ने भी नहीं सोचा होगा, जो इन लोगों ने कर डाला। और वो बेहोश हो रहा है कि मैंने फ्री में क्यों दे दिया ये एके मिश्रा और धनोज कुमार जैसे लोग। इन्होंने व्हाट्सएप पे कवि सम्मेलन कर डाला और 250-250 लोग उस कवि सम्मेलन में मौजूद। और वो कवि सम्मेलन रात के 9 बजे शुरू होता था और 12 बजे डंडा लेके भगाना पड़ता था कि अब जाओ भाई। तो ऐसे एक कवि सम्मेलन का इन्होंने मुझे भी अध्यक्ष बना दिया। और मैंने कहा ऐसी ऊर्जा उस कवि सम्मेलन में, अरे भाई आपको नाश्ता भी दे देते थे वो व्हाट्सएप पे, समोसे भी मिलते थे, पेड़े भी, केले भी, तालियां भी बजती थी। तो ये दोनों इस कवि सम्मेलन के मुख्य प्रणेता हैं, जहां से मुझे प्रेरणा मिली। फिर मैंने इनसे कहा कि भैया जूम पे करो, इतने अच्छे कवि लोग हैं, और लोगों को इकट्ठा करो, जूम की कैपेसिटी बड़ी है और आप सब अच्छे दिखते हो, क्यों अपना चेहरा छुपाना चाहते हो? मुझे तो नहीं लगता कोई काम ऐसा करके आए हो कि चेहरा छुपाना है, तो चेहरा देखने दो, दिखाने दो। लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं, अब नहीं मानी तो मैं वादा कर आया था कि भाई मैं तो कोई एक बड़ा कार्यक्रम करूंगा और लॉकडाउन करने नहीं दे रहा है। तो मैंने कहा चलिए आज जूम पे सबको इकट्ठा करते हैं। तो ये है नटसेल में इसके कवि सम्मेलन का उद्देश्य, प्रस्तावना। और मैं पुनः इसके साथ धनोज कुमार जी का स्वागत करता हूँ।